गया है, क्योंकि भोजन भी हमारा इंतजार कर रहा है, तो मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा कि अपना उद्बोधन फरमावे प्रवीण जी भाई साहब। गोपाल जी ने संकेत में बता दिया है कि समय भी ज्यादा हो गया है और भोजन भी इंतजार कर रहा है। उन दोनों बातों को मैं संक्षेप में संकेत समझ सकता हूं। मंच पर विराजमान पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र श्रीमाली, देहात जिला के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय चंद्रभूषण सिंह चौहान, हम सबके मार्गदर्शक राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय शांतिलाल जी चपलो साहब, विधि प्रकोष्ठ में प्रदेश संयोजक के कार्यक्रम के दौरान जितने मैंने प्रवास किए, जहां जहां भी हमने कार्यक्रम किए, वहां छाया के साथ छाया के साथ रहने वाले और हमेशा सहजता से उपलब्ध रहने वाले, उनको जब भी जहां प्रवास में निकले थे उन्होंने तुरंत हाँ भाई साहब, उनको कहा बीकानेर जाना है कि चला जाऊंगा भाई साहब। और हाल ही नवनियुक्त प्रदेश संयोजक भाई सौरभ जी सारस्वत, मंच पर विराजमान हमारे लोकसभा प्रत्याशी मन्नालाल जी रावत, भाई आकाश जी वागरेचा, देहात के संयोजक भाई गोपाल जी पालीवाल, शहर के विधि प्रकोष्ठ के संयोजक भाई महेंद्र जी नागदा, आदरणीय नरपत सिंह जी, करण सिंह जी साहब, आदरणीय खुबीलाल जी साहब, प्रेम सिंह जी, धन सिंह जी, दीपक जी, रविकांत जी, भाई राकेश जी, भाई राम गुरुवा जी, अतुल जी, सबका नाम लेना थोड़ा संभव नहीं है, समय की सीमा है, तो मैं आप सबको नमन करता हूँ। साथ में आज यहाँ सौभाग्य से श्रीमती जी भी है और मेरी माता जी भी साथ है, तो मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। समय की सीमा है, इस कारण मैं केवल संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूंगा। विधि प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता के नाते हम सबको क्या करना है, उस बारे में विस्तार से हमारा मार्गदर्शन भाई सौरभ जी ने कर दिया है। तो मैं सोचता हूं सौरभ जी के मार्गदर्शन के बाद मेरे कहने के लिए कुछ नहीं बचता है। हम अधिवक्ता के रूप में जहां भी रहे सजगता से रहें, फर्जी मतदान को रोकने का प्रयास करें, सी विजिल ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें। और 26 अप्रैल को जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हम नियमित रूप से कुछ न कुछ समय देने का प्रयास करें, हमारे आसपास के परिचितों का, मोहल्ले में, वार्ड में अपने पक्षकारों को। और वह मेरा मानना है कि हम सभी करते भी हैं, लेकिन जो पिछला अंतर था उस अंतर को हम कैसे डेढ़ा करें, दुगना करें। भाई गोपाल जी ने कहा कि भाई हम उस अंतर को 5 लाख से अधिक करें, तो निश्चित रूप से हम सबकी भी ऐसी अपेक्षा होगी कि उदयपुर लोकसभा सीट हम 5 लाख से अधिक मतों से जीते। मेरे को क्या करना है, ये आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब ने संकेत रूप में बता ही दिया है कि आपको शहर के जिलों की चिंता करनी है, शहर के पर्यावरण की चिंता करनी है। और संगठन ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है वह, और आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब ने जो मेरा मार्गदर्शन किया है, उन दोनों को मैं समामेलित करते हुए, दोनों को एक साथ करते हुए जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसे मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करने का प्रयास करूंगा। संगठन ने जब भी जो काम बताया मैंने अपनी पूर्ण क्षमता से निष्ठा से करने का प्रयास किया है, और परमपिता परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूं और आप सब से भी यह आग्रह करता हूं कि आप सबका स्नेह प्रेम इसी प्रकार बना रहे और इसी प्रकार संगठन और आप सब मित्रों के काम आ सकूं, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। आप सब के लिए जो स्नेह सम्मान मेरे मन में था वह हमेशा बना रहेगा। आप सब ने जो सम्मान दिया उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। भाई गोपाल जी, भाई महेंद्र जी, भाई मनीष जी इन तैयारियों में लगे, उन सबके प्रति विशेष रूप से आभार, धन्यवाद, जय हिंद। भाई साहब माफी चाहूंगा क्योंकि समय 6 बजे से बुलाया हुआ है, तो हमारे भी थोड़ी सी एक
समस्या रही है और दूर दूर से भी हमारे अधिवक्ता साथी पधारे हुए हैं, तो थोड़ी क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव में लेकर आ गए हैं हम लोग। आज जो कार्यक्रम हुआ है, ये सुंदर आयोजन हुआ है, इसमें हमारे कई अधिवक्ता साथियों का, वरिष्ठ अधिवक्ता और साथीगणों का हमको सहयोग मिला है। यह हमारे देहात अध्यक्ष जी की तरफ से भाई साहब को कैप पहना करके और स्वागत किया जा रहा है। आज उनका हमें सहयोग मिला है। सबसे पहले तो आकाश जी भाई साहब का जो स्थान उपलब्ध कराया, साथ ही हमारे स्वरूपया जी, आशीष जी स्वरूपया, उन्होंने सुंदर आयोजन और इतना सहजता से हमको ये कार्य करवाया। इसी क्रम में हमारे राम कृपा जी, इनका मणिजी शर्मा, दिजय जी गुप्ता, जितेंद्र जी जैन, भानू जी पटनागर, वंदना जी मुदावत, सुशील जी कोठारी, राकेश जी मोगरा, अशोक जी सिंघवी, प्रेम सिंह जी पवार, लोकेश जी गुजर, कांता जी नागदा, चंद्रवान जी शक्तावत, हर्षवर्धन जी जैन, विजय जी ओसवाल, घनश्याम सिंह जी चौहान, गजेंद्र सिंह जी सोलंकी, आकाश जी वाकेदर भाई साहब का और इन सभी का विशेष आभार कि आपके सहयोग के बिना यह सुंदर कार्य नहीं हो सकता था। आपने स्वस्थ मन से, खुले मन से हमें सहयोग किया तो हम ये इतना सुंदर कार्यक्रम कर पाए। अब इन अधिवक्ताओं का जिनका मैंने नाम लिया है वो पधारे हैं, और प्रवीण जी भाई साहब का और जो भी अधिवक्ता या मिराजी है, मैं चुंडावर साहब हैं, झला साहब हैं, सिंधी साहब है, शक्तावर साहब है, स्मृति चिन्ह होने के पश्चात आप उपड़ने से भाई साहब का जो भी स्वागत करना चाहे, आभार करना चाहे, पधार सकेंगे। सबसे पहले महेंद्र जी से आग्रह है कि अधिवक्ता अपना विधि प्रकोष्ठ के संयोजक सह संयोजक ऊपर आ जाए और भाई साहब का स्वागत करावे, स्मृति चिन्ह देकर आभार सम्मान करावे। स्मृति चिन्ह के रूप में रामलला की जो सांकेतिक रूप से जो मूर्ति है वो हम भेंट करना चाहेंगे, क्योंकि हम मोमेंटो लेने गए तो हमें लगा कि रामलला की ये मोमेंटो रूप में होनी चाहिए स्मृति चिन्ह के रूप। अतुल जी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो अपने शक्तावर साहब हैं, जो जो भी आके अग्रिम पंक्ति में वो पधारे, चुंडावर साहब, मनीष जी पधारे और सारस्वत जी का हमारे स्मृति चिन्ह दे, ताकि ये रामलला जो भी एक महेश जी बागरी का भी हमारे को सहयोग रहा है, जिन किसी का भी नाम गलती से सेवन से रह गया तो हम माफ करें। इसके स्मृति चिन्ह के पश्चात जो भी अधिवक्ता गण प्रवीण जी का और सारस्वत जी का उपरने से स्वागत करना चाहे तो पधारे और स्वागत कर सकते हैं। Yeah.